का बहुत देवता है, वो हमारे कुल देवता है। पहाड़ था मरहाड़ में, जहाँ से देवता पशुकोट की उत्पत्ति हुई। वो देखते तो बड़े बड़े सांप हैं, सोने की चोट लगी उनको भी सुन, तो पशुपति पशुकोट उनका नाक काट देते। तब उनकी देवी भी मतलब आज भी उसी रास्ते से जाए ना पशुकोट, तो उनके जो आगड़ होती है मतलब जो रथ होता है लकड़ी, यहाँ तोड़ देती है। उस इतनी शक्ति है, अपने पिता से भी वो नाराज है, आज भी अपनी माता से भी नाराज है वो। उनके पास इतनी शक्ति है कि वो भी मतलब अपने पिता को अपने पास आने नहीं देते हैं। आज भी शिला डेरे गए वहाँ पे, जो बासुकी नाग जी से बोलते हैं, आज जख नाम से जानते हैं। सो हेलो एंड वेलकम, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमालयन वॉचन में। ये ब्रोट एकदम ओहल नदी के किनारे पर बसा है और यहीं पर है देव पशाकोट जी का शिला डेरा मंदिर। ऐसा माना जाता है कि जब देव पशाकोट जी मराहट से आए तो उन्होंने पहला विश्राम यहाँ पर किया, जिस कारण यहाँ पर देव पशाकोट जी का मंदिर बना और उसी के साथ ही बाद में वो नाला डेहरा गए। तो इसी कड़ी में आज हम यहाँ पर दुर्गा जी से सुनेंगे देव पशाकोट जी की कहानी। और ऐसा माना जाता है कि इनके जो पूर्वज हैं और इनके सियाने हैं, उनके साथ देव पशाकोट जी साक्षात वार्तालाप करते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम दुर्गा है, मैं ब्रोट की रहने वाली हूँ। वो पशुपोट देवता है, वो हमारे कुल देवता है, हमारे मायके वालों के कुल देवता है। हमारे हम भी बड़े भारी श्रद्धा रखते हैं, हमारे देवता है वो, मतलब उनके बिना हमारा कुछ भी नहीं है। मतलब वो है तो हमारा सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है। जब इस संसार में जब इसकी इस ब्रोट वैली की जब शुरुआत हुई, हमारे पहाड़ की जब उत्पत्ति हुई, तब यहाँ पे पशुपति पशुकोट जिन्होंने यहाँ पे अवतार लिया, वो शिव रूपी हैं। शिव ही थे एक, जो मतलब बिछड़ गए थे, उन्होंने यहाँ पे अपनी जो है देव कला का मतलब स्थापना करनी थी, तो उन्होंने मतलब भुला दिया था सबको, अपना परिवार छोड़ दिया था, माता पार्वती से बिछड़ गए थे, वासुकी नाग से बिछड़ गए थे। यहाँ की जो देव कला स्थापित करने के लिए उन्होंने सबका त्याग किया हुआ था। जब उनसे मिलने का समय आया तो माता पार्वती तब 17-18 साल की थी। तो जब उनकी उत्पत्ति हुई तो माता पार्वती को पता नहीं था कि वो माता सती है, मतलब पार्वती माता है, उनको पता नहीं था। फिर वो किसी मतलब एक साधारण से परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। तो वो इसका एक भाई था, दोनों भाई बहन मिल के गाय पशु चलाते थे। तब पशुओं का बड़ा वो था, तो पशु चराने जाते थे। तो वो एक बहुत बड़ा पहाड़ था मरहाड़ में, जहाँ से देवता पशुकोट की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वहाँ पे जन्म माता पार्वती का हुआ था, इसलिए उन्होंने उनसे मिलने के लिए स्टार्ट किया था, वहाँ पे उत्पन्न हुए थे वो। तो जब उनका जन्म हुआ, वो काफ़ी बड़ी हुई, फिर उस टाइम पढ़ाई लिखाई इतना नहीं था, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे मतलब यहाँ का जो है पहले होता था, जैसे द्वापर युग में जैसे गुरुकुल होते थे, कुछ होता था, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था। तो वो एक साधारण से परिवार में पैदा हुई थी, तो फिर वो गाय चराने जाती थी एक बड़े से पहाड़ के नीचे से जब भी गुजरती थी दोनों भाई बहन, तो वो पहाड़ जोर जोर से बोलने लगता था कि मैं गिर जाऊँ, ऐसे रोज़ रोज़ बोल के काफ़ी समय बीत गया। तो उसकी माँ को, जब माँ ने देखा कि मेरी बेटी तो रोज़ रोज़ कुछ कमज़ोर हो रही है, तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा तू, मैं देखती हूँ कि कुछ समय से आप कमज़ोर होते जा रहे हो, रोज़ रोज़ की झर रही है तू, हमारे भाषा में बोलते हैं कि रोज़ रोज़ झरी कर दी, क्यों झरी कर दी। तो फिर उन्होंने बोला कि मम्मा आमा मुझो भी, जब भी मैं उस पहाड़ के नीचे से गुजरती हूँ, एक पहाड़ है तो मरहाड़ जो बोलते हैं, उस पहाड़ के नीचे से जब भी मैं गुजरती हूँ, वहाँ से एक आवाज़ आती है कि मैं गिर जाऊँ। तो उसकी आमा बोलती है कि एक दिन तू ऐसा बोलना कि तू रोज़ झरने से अच्छा उस पहाड़ को बोलना कि तू गिर जा। तो वो ऐसा करती है कि दूसरे दिन जब उठती है, फिर जब वो खाना खुना खा के अपना जो मतलब काम होता है वो फिनिश करके, जब वो गाय चराने जाती है, तब वो बोलती है कि जब जाती है वो फिर से उसी पहाड़ के नीचे से जाती है, तो वो पहाड़ फिर से मतलब गरजने लगता है, बोलने लगता है कि मैं गिर जाऊँ, मैं पाऊँ 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 ऐसे करके आवाज़ निकालता है। तो वो बोलती है कि मैं रोज़ रोज़ थक गई हूँ तेरी पाऊँ पाऊँ से, तू ऐसा कर कि भाई तू आज गिर ही जा, भाई मैं दुखी हो गई हूँ, क्योंकि भाई मैं रोज़ रोज़ झर रही हूँ, इससे अच्छा कि तू गिर ही जा।
तो वो सचमुच गिर जाता है पूरा पहाड़ गिर के, मतलब तब उन जब वो पहाड़ गिरता है तब देव पशुपति जैसे बोलते हैं कि पत्थरों में से निकले तब वो उत्पन्न होते हैं। बहुत बड़ी बाढ़ आती है, बहुत बढ़िया बाढ़ आती है उस वक्त, और वो उत्पन्न होके तब वो उनको पूरी याद आती है कि मैं तो पार्वती हूँ, ये तो मेरे शिव हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि तुझसे मिलने के लिए ही मैंने ये सब वो किया था, लीला रची थी। हाँ जी, ये लीला रची थी। फिर उनका होता है कि वासुकी नाग होते हैं यहाँ पे, जो शिव के वासुकी नाग होते हैं, जो गले के मतलब गले का हार होता है, तो उन्होंने जन्म लिया होता ब्रोट में, जो ब्रोट गाँव है वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब उन्होंने भी बड़ी तपस्या की होती है क्योंकि वो शिव के बिना तो रह नहीं सकते थे, तो वो रोज़ तपस्या करते थे कि मुझसे शिव मिलने कब आएंगे। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि यहाँ का तो मेरे लीला ख़त्म होगी कि मुझे क्योंकि पार्वती से मिलना था, तो वो आगे पार्वती से मिल के उन्होंने बोला कि मैं इधर बोलते हैं मुल्तान में लिंकी है, इधर एक शमशान घाट है वहाँ पे एक मतलब स्थान है, मतलब शिव तो है भी शमशानवासी, वहीं पे उन्होंने आराम किया और बोलते हैं पार्वती माता को कि आप मेरा शिला डेरा में इंतजार, शिला डेरा मतलब अभी पड़ा नाम ऐसे शिला, हाँ जी शिला डेरा, यहाँ यहाँ पर जो वहाँ पे जाकर जब मरहाड़ से देवता है तो पहला विश्राम हुआ उनका यहाँ पर शिला डेरा में और वहाँ मंदिर बना। उसके बाद यहाँ से देवता गया हमारे नाला डेरा में, वहाँ पर उनका मंदिर है, वहाँ पर निवास करने के बाद वो अपने मूल स्थान मट्टी बजगान में गए जहाँ पर उन्होंने अपनी जिंदगी के अन्य पल बिताए। वो फिर वहाँ पे शिला डेरा में आए, पार्वती माता भी आए, पार्वती माता भी आए वहाँ पे और वो लोग उनका इंतजार करने लगे। जब शक्ति माता जिसे बोलते हैं शक्ति माता पशुपति पशुकोट की, वो भी माँ इंतजार कर रही थी, वो भी यहीं पे थी, वासुकी नाग और शक्ति माता दोनों इंतजार है यहाँ पे, उनका जो है मूल स्थान था माता का, ये जो आल बोलते हैं माता की पशुकोट देवता की माँ की आल थी यहाँ पे, अब पाप से भर गई है दुनिया हम, तो वहाँ पे वो इंतजार कर रही थी कि कब। फिर वो आए, पहले वो अपनी माता से मिले, मिलाप किया, उसके बाद वो शिला डेरे गए वहाँ पे, जो वासुकी नाग जिसे बोलते हैं आज जख नाम से जानते हैं, जख नाग नाम से जानते हैं उनका नाम, मतलब माता पिता ने रखा जब उन्होंने जन्म लिया इस ब्रोड वैली में ब्रोड में, तो उन्होंने माता पिता ने उनका नाम रखा था जख। वो मतलब बड़े शांत स्वभाव के थे, बिल्कुल सीधे आदमी थे बहुत, तो उनका नाम ही जख रखा था। हमारे यहाँ पे लोग बोलते हैं ये तो जख है, कोई भी चीज़ के लिए ये तो जख है, हिलता ही नहीं है, हाँ जी शांति आदमी था, तो उसका नाम जख था। फिर वो एक बहुत बड़ा पेड़ है यहाँ पे, तब वो छोटा सा बूटा था उस टाइम पे, तो फिर उसके नीचे सोए हुए थे, तो उनको सपना हो गया कि मैं आपसे मिलने तुझसे मिलने आ रहा हूँ, तेरी प्रतीक्षा खत्म होने वाली है, पर ये है कि मतलब तुझे डरना नहीं है, जब मैं आऊँ तो तुझे डरना नहीं है, अपने हमारे बोलते हैं टान घर के ऊपर जो टान होते हैं उसके ऊपर बैठना है तुझे रात को आधी रात को 12 बजे, और जब मैं आऊँगा आँखें बंद करके तो तू डर गया तो मैं जीता, अगर तू नहीं जिया डरा तो तू जीता। तो वो तो खुद वासुकी नाग है, वो कहाँ डरेंगे किसी भी चीज़ से, तो वो तो खाना खुना खाते हैं रात के 12 बजे, अभी तक उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया होता है, रात के 12 बजे वो बैठ जाते हैं वहाँ पे, फिर वो अपने रूप में आते हैं बड़े, मतलब जो सांप होता है ना बहुत बड़ा विशाल का है, मतलब जिसका कोई अंत बेअंत, मतलब उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पे घर भी था कि कुछ भी था, कुछ नहीं, बस बहुत विशाल का है, मतलब सांप के रूप में आता है, वो आता है बहुत बड़ा मुंह खोल के, मतलब उसके मुंह के पास ऐसे आता है, वो होता है कि आंखें खोल, जैसे वो आंखें खोलता है वो नहीं डरता है क्योंकि वो तो खुद वासुकी नाग है, उसकी तो प्रजाति ही नाग की है, वो तो क्यों डरेगा, वो नहीं डरता है, वो साक्षात प्रणाम करता है, बोलता है कि मुझे पता है प्रभु कि आप मुझसे मिलने आए हैं, मैं बहुत टाइम से आपका इंतजार कर, मैं कैसे डर सकता हूँ आपसे, अगर वो आप मुझे खा भी जाएंगे कुछ भी करेंगे तो मुझे इस चीज़ का गम नहीं होगा, मैं कैसे डर सकता हूँ आपसे। तो फिर पशुकोट बोलते हैं कि मेरी माँ की आल है वहाँ पे आना, मतलब जिस पेड़ वहाँ पे हम मतलब तुझे अपने साथ ले जाएंगे। फिर जब बोलता है कि मेरी तो माँ भी है घर में, मेरी बीबी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, उस टाइम गरीबी बहुत होती थी, मतलब गरीबी होती थी, लोगों को बाहर जाने पड़ता था काम करने, यहाँ पे कोई चारा नहीं होता है, साधन नहीं होता था काम का कमाई का। तो फिर वो बोलता है कि मतलब प्रभु मैं आऊँ, अभी तो मैं चल सकता हूँ पर लेकिन मैं भी किसी का, अब मैं इस जन्म लिया है मैंने इंसान का, तो मैं भी अब किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, मैं उनको बिना बताए उनसे इजाज़त लिए बिना नहीं आ सकता हूँ, मैं भी सुबह आऊँगा। तो शिव बोलते हैं कि ठीक है मैं
तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो वो सुबह होती है, पहले की वाइफ होती थी, फर्स्ट एड होती थी, एक तो गरीबी होती थी, सब कुछ होता। तो फिर वो सुबह उठते हैं, अपनी माँ से बोलते हैं, माँ को तो मतलब माँ ऐसी एक चीज़ है जिनको अपने बच्चों का पता होता है कि मतलब मेरा बच्चा मुझसे दूर होने वाला है। एक मतलब नेचुरल चीज़ उसके अंदर नेचुरली एक मतलब अंदर से वो होती है अटैचमेंट बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा दूर होना है। वो बताया अपनी माँ से कि माँ मैं तो कहीं जा रहा हूँ काम से, तो आऊँगा कभी भाई, पता नहीं कब आऊँगा, कोई पता नहीं है, आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ। तो फिर उसकी माँ तो समझ आती है, वो रोती है, वो बोलती है बेटा उसको पता था मेरे बेटे ने इतनी तपस्या की है शिव से मिलने के लिए, तो उसे तो जाना ही पड़ेगा। वो उसके रास्ते में आड़ा नहीं बढ़ने की वजह से वो बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा मैं तुझे इजाज़त देती हूँ। फिर वो वहाँ से चल जाता, वो जाता है अपनी वाइफ के पास। फिर वाइफ बोल वाइफ के पास बोलता है कि ना मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मैं जाऊँ? तो वाइफ बोलती है कि मैं कहीं किसी काम से जा रहा हूँ और ये काफ़ी टाइम लग जाएगा आने में। तो वाइफ तो पहले से ही इतनी सारी फ्रस्ट्रेट होती है कि यार कि तुझे जहाँ जाना है तू चले जा भाई, मेरे को तो गरीबी की बड़ी है, बच्चे की बड़ी है, मेरे बच्चों को रोटी पानी का इंतज़ाम करके जा। तो वो होता है कि ठीक है, मतलब मैं उनका पूरा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक ये संसार रहेगा तब तक का मेरे को खाने पीने का इंतज़ाम करके जाऊँगा। तो अब वाइफ को तो इतना पता नहीं होता है, उसको भी क्या पता बेचारी को। तो वो बोलती है कि ठीक है मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, वो भी मतलब भोले में रहती है, उसको क्या पता कि वो हमेशा के लिए जा रहा है। तो वो कहती है ठीक है, वो फिर बोलता है, फिर ऐसे भी बोलती है कि भाई तू इतना भी बड़ा क्या है कि तू पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए भी इंतज़ाम करके जाती है, हंसती है चली जाती है। तो बोलते हैं कि ठीक है, वो इजाज़त देता अपनी माँ से, आ जाता है शिला डेरे में जो हमारे उस पेड़ के नीचे हमारे बोलते हैं कौले धर्म बीजना मतलब वचन होना वचनबद्ध होना। तो वहाँ पे आकर पशुपति पशुकोट के साथ तब जब बोलता है हे मालिक कि मैं आपसे जीता हूँ, आपने बोला था कि मैं हारूँगा, तो आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा, आज मैं जीता हूँ, जो आपको जो करना होगा मतलब जो मैं बोलूँगा वो आपको करना होगा। तो देव बोलते हैं कि हाँ मैं आवश्य कि तू जीता है ते हो भी, आप जीत गए भी, आपने आप मेरे से जीत गए हो, तो आप कोई बात नहीं, जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो फिर जख देवता बोलता है, वो थोड़ा मतलब होता है ना कि मोह माया में फंस जाता है, तो उसकी वजह से बोलता है कि देव मैं अपनी पत्नी को बिना सच्चाई बताए आया हूँ, सिर्फ उसने मेरे को इजाज़त दी है बिना मतलब उन्होंने पूछा ही नहीं ना कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जाओगे, तो उसने भी बताना नहीं जरूरी समझा। मतलब होता है ना कि मतलब उन्होंने पूछा ही नहीं तो क्या बताएगा कोई, अगर आपको कोई पूछेगा तभी बताएगा। तो मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए मैं रोटी पानी का इंतज़ाम करके जाऊँगा। तो देव बोलते हैं कि तू मांग जो तुझे मांगना है। तो पहला वचन मांगते हैं वो कि हे भगवान भाई जो मालिक, आपके बिना मैं नहीं चलना चाहिए, मेरे बिना आप नहीं चलना चाहिए, जो शक्ति आपकी है वो शक्ति मेरी भी होनी चाहिए, मतलब जितनी शक्ति आपके पास है उतनी शक्ति मेरे पास होनी चाहिए, जितनी शक्ति मेरे पास है वो उतनी शक्ति आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसे करके वो मतलब वो कहते हैं वो भी वो वचन दे देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मतलब कि जब मेरे मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी इस संसार में जब तक ये संसार रहेगा तब तक मेरे संसार में मेरे जो पीढ़ी है जो मेरा मतलब घर बना है उस घर को बाल बच्चों को रोटी देना भाई, मतलब भूखा नहीं मरना चाहिए उनको भाई रोटी देना। तो देव बोलते हैं कि वे भी मैंने तुझे दिया। फिर वो बोलते हैं कि मतलब बारिश मतलब कि साधन भी होना चाहिए। तो देव बोलते हैं कि मैं उसको इतनी पावर दूंगा उस पीढ़ी को कि वो जब भी मेरा नाम लेंगे मैं बारिश कर दूंगा, जब भी वो मेरा नाम करेंगे तो मैं मौसम साफ कर दूंगा। तो हमारे आज भी मान्यता है और होता है, हम विश्वास करते हैं जब भी मतलब बारिश चाहिए होती होगी हमें तो हम बड़े तय दिल से मतलब मांगते हैं तो हमें देवता देते हैं खुश होकर, बारिश भी देते हैं धूप भी करते हैं, बारिश लगी हो तो हटा देते हैं, अगर बारिश चाहिए होगी तो तब भी मतलब बारिश देते हैं। हाँ जी, फिर उन्होंने बोला कि कई बार मतलब ये थ्योरी मैं मर्द को देता हूँ जैसे घर का मर्द होगा। तो तब जख बोलते हैं कि कई बार मर्द तो बाहर चला जाता जैसे मैं अब बाहर हूँ, मेरी तो फैमिली अकेली घर है। तो तब उन्होंने बोला कि ढाई घड़ी सत मेरी नूश दियो बेटी जो भी दिया, मतलब मेरी जो पीढ़ी होगी बहू होगी बेटी होगी, अगर मेरे घर में मर्द नहीं होंगे बेटी होगी बहू होगी लाड़ी होगी मतलब
तो उसको भी ये ढाई घड़ी सत कोई औरत भी होगी जी, हाँ जी उसको भी वो सत दिया, मतलब वरदान मिला, वरदान मिला उनको भी कि इस घर में चाहे बेटा हो बेटी हो बहू हो कोई भी हो उनको भी सत है ये कि अगर वो धूप डालते हैं देवता को तो बारिश भी हो सकती है, मतलब वो भी कर सकते हैं। मतलब हमारा देवता के साथ बड़ा मतलब गहरा रिश्ता है क्योंकि हम वासुकी नाग के पीढ़ी हैं हम। हाँ जी, फिर उसके बाद वो यहाँ पे हुए कौल धर्म हुआ बीज, मतलब फिर वो माता की आल जो बोलते हैं वहाँ पे आए, उन्होंने नमस्कार किया माता को, फिर उनसे इजाज़त ली, फिर वहाँ पे उन्होंने छलांग लगाई तो वो फूल बन गए, फूल बन गए, मतलब इंसान था वो पर लेकिन वो फूल बन गया, फूल बन के वो पशुपति पर शकोट के साथ चले गए। वो यहाँ से गए फिर नीचे नाला डेरा में रुके, नाला डेरा में माता गंगा जी से बोलते हैं नकटी देवी के नाम से प्रसिद्ध है ये माता, माता गंगा से उन्होंने उनकी मतलब वो हुई मतलब उनके साथ मिलन हुआ वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब उनकी ना शादी हुई, भाग के शादी कर ली उनसे, फिर दलाउसा बोलते हैं उनका मायका है मतलब दलाउसे में, तो उनकी ना नज़र बंद कर दी थी देवता ने, नज़र बंद कर दी, फिर उनके नाला डेरे में एक पद्धर जैसे ऐसे बैठने को ग्राउंड जैसा वहाँ पे वो रोज़ आते थे रोज़ बैठते थे। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे हमारे बोलते ना मिंडू गुना, पहले मर्द भी मिंडू करते थे मतलब छोटी छोटी गुत्ते करते थे, तो वो की हुई थी देवता ने, तो फिर देवता ने मतलब उसकी और लीला मतलब चल पड़ी वहाँ पे, तो लीला शुरू होने से पहले मतलब उन्होंने बोला कि मतलब आज ना कि ऐसा करना, छल रहे थे वो तो मतलब वो तो होनी थी पर लेकिन माता को छल रहे थे, माता को बोल रहे थे कि आज तू ऐसा करना कि मैं सिर में ना जुआ होगी है शायद, भाई जुआ देख ले, धूप लगी थी बढ़िया मतलब ठंड का मौसम ना, तो माता ने बोला कि ठीक है माता नक्की ने कि कोई बात नहीं मैं भाई आपकी जो है जुआ देख लेती हूँ, तो फिर वो जुआ देखने लगी, फिर देवता ने जानबूझ के ही बोला ऐसे कि ना इसके सिर में जो मिंडू है ना इनको मत खोलना, जुआ देख लेना पर इनको मत देखना, उनको लालच दे दिया माता को कि भाई जानबूझ के भाई ये खोल दे जो चोटियां हैं चोटियां खोल दे, तो फिर वो क्या करती है कि कोई बात नहीं उनको पता नहीं चलेगा भाई, वो तो पूरी पृथ्वी के संसार के भगवान है उनको कैसे नहीं पता लगेगा, वो तो आंखें बंद करेंगे तब भी सब कुछ दिखता है उनको, तो वो धीरे धीरे वो चोटियां खोलती गई, जैसे ही खोलती गई उन्होंने नजर बांधी थी उनकी, उनको अपना मायका दिख गया, तो फिर मायका दिखा वो बोलने लगी कि मुझे ना भाई अपने मायके जाना, तो फिर देव बोलने लगे कि नहीं तू मायके नहीं जा सकती है, वहाँ जाएगी तो मतलब नहीं मत जाना भाई, क्या करेगी जाकर भाई कि नहीं नहीं मुझे तो जाना है मुझे तो जाना है मुझे तो जाना है, फिर वो क्या हुआ कि चलेगी वो मायके, मायके जाने लगी तो देव वो बोलने लगी कि भाई मेरे को क्या मैं क्या लेके जाऊँ अपने मायके में, मैं इतने टाइम बाद अपने मायके जा रही हूँ तो मैं क्या लेके जाऊँ, तो देवता एक पहले होते थे मतलब खालड़ू बोलते हैं हम, खालड़ू में मतलब बोरू में बोरी आजकल तो बोरी है, उस टाइम पे खालड़ू होते थे जानवर के उस खालों बकरे के खाल के, हाँ जी बकरी के खालों के, तो फिर उन्होंने बोला कि उन उनमें उन्होंने डाल दिया भरी करके कुछ दे दिया उनको, तो उन्होंने बोला कि ये लेके जाना तू भाई पर जाना तू जब जाएगी मायके जब दहलीज मतलब दहलीज से बारिश हो मत खोलना, दहलीज के अंदर जाएगी तब जाकर खोलना मतलब जो भी होगा तेरे को दिख जाएगा, वो सोचती है कि ठीक है, वो वहाँ से चली जाती है आधे रास्ते में सोचती है पता नहीं इसने क्या दिया होगा मैं देख ही लूँ भाई, और तो मैं थोड़ा होता है ना कि ज़्यादा उत्सुक हो रहती है औरतें तो कि मैं देख ही लेती हूँ इसमें डाला क्या है, वो देखती है तो उसमें होते हैं गोश्तू बोलते हैं हमारे गोबर के बने हुए होते हैं उपले जिसे बोलते हैं, तो वो देखती है कि उपले डाले हैं मैं भाई अपने मायके जा रही हूँ इतने टाइम बाद तो उपले कहाँ लेके जाऊँगी भाई, तो वो क्या करती है सारे उपले निकाल के फेंक देती है, ऐसे रहते टूटे हुए रहते हैं थोड़े बहुत मतलब, तो वो खालड़ू तो उस टाइम मिलते नहीं थे वो तो ले जाते अपने साथ, फिर घर में जाती मायके में अपने माँ बाप सबसे मिलती है, फिर उसकी माँ बोलती है कि बेटा तू भाई इतने टाइम बाद लाई हमारे लिए कुछ लाई नहीं, तो वो बोलती है फिर वो सोचती है कि अब मैं क्या बोलूँ कि दिए थे भाई गोश्त दिए थे मैं क्या बोलूँगी भाई कि वो दिए थे भाई मेरे पति ने, वो बोलती है अम्मा मैं लाई तो थी ना पर मैं ना गिर गए मेरे से भाई सब कुछ गिर गया भाई मैंने थोड़े से रहे थे बदनी भाई देखो भाई मैं इसमें लाई थी, वो ऐसे ऐसे करके झाड़ती है तो उसमें से सोने के टुकड़े निकलते हैं बहुत सारे, जो मतलब उपले दिए हुए थे वो सोने में बदल गए, हाँ जी सोने में बदल गए थे, उनको बोला था दहलीज के अंदर जाकर देखोगे तो तभी निकालना दहलीज के बाहर मत निकालना, जब वो भारी होने के कारण वो फेंक दिया, हाँ जी हाँ जी, फिर उन्होंने बोला कि तब वो पछताती है कि उन्होंने बोला था मेरे को कि दहलीज के अंदर ही खोलना बाहर मत खोलना,
तो वो पछताती मन मन पर बताती नहीं है किसी को भी। फिर वो आ जाती है घर, फिर एक दिन होता है उसकी भाई की शादी, तो भाई की शादी पहले निकलते हैं, वहाँ पे बर्तन निकलते थे, अभी भी मान्यता है, मतलब काफ़ी अब के टाइम कलयुग जब शुरू हुआ उसके काफ़ी टाइम तक, अभी तक मतलब हो सकता है आपको 200 साल 300 साल पहले तक बर्तन अभी तक भी निकलते थे, वहाँ पे बर्तन निकलने लगे। तो पहले न्यूंदर देते थे, जैसे हमारे भाई बुलावा देते थे भाई निकलने के लिए, तो वो लोग आए, उन्होंने बोला कि भाई मंदिर आज भी यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों आए भी, कि ये न्यूंदर देने आए हैं, शादी लगी है, बर्तन निकालने के लिए आए हैं। माँ अच्छा, वो बोलते हैं अच्छा किसकी शादी लगी है, तब देवता बोलता है कि अंत मत ले, अंत से विनाश होता है, अंत मत ले। तो बोलती है कि नहीं नहीं मैं तो जानूंगी भाई किसकी शादी है क्या है। बोला अगर तू, मैं बता दूंगा तेरे को तो तू बोलेगी कि मैं जाऊंगी, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगी, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, मैं नहीं जाऊंगी भाई, आप मेरे को बता दो। वो बताते हैं कि तेरे भाई की शादी है, तो वो बोलती है कि मैं तो भाई की शादी में जाऊंगी जाऊंगी, अब बहन है तो वो तो जाएगी, बोलेगी कि मैं तो अपने भाई की शादी में तो जाऊंगी जाऊंगी भाई। वो जाती है बहन बन के, फिर देवता बोलते हैं कि सावधान रहना, तब उनके पास बच्चे हुए होते हैं दो जुड़वा, तो वो बोलते हैं कि तू जाना पर सावधानी से रहना, वहाँ पे जाकर मजाक हंस मजाक मत खेलना, ठट्ठा मत करना वहाँ पे जाकर। मतलब आप एक देवी हैं, मतलब सामान्य मनुष्य नहीं है, औरत नहीं है कोई, आप वहाँ पे जाकर शक्ति रूप। हाँ जी शक्ति रूप है। वो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं मैं नहीं करूंगी, वो फिर से मुकर जाती है सारी चीजों से कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो वचन देती हूँ आपको भाई मैं नहीं करूंगी। तो वो चले जाती है वहाँ पे, तो अब वो होते हैं बड़े बड़े विशाल काय सांपों के रूप में, बच्चे उनके दो, तो सोने की चोट लगी हुई होती है उनको, तो वो बोलते हैं कि मैं अब इनको रखूँ कहाँ भाई। तो हमारे होते थे माट, पहले बोलते थे माट, बड़े बड़े पेड़ होते थे, जैसे वो जाती है टान में जाती है, वो वहाँ पे रख देती है छुपा के बंद कर देती है, फिर उसकी अंदर लगे जग जा भूल जाती है वो कि मैंने अपने पति से कुछ वादा किया था। जैसे ही वो बाहर जाती है वहाँ पे उनके जीजे वगैरह होते हैं उनके साथ नाचने लगती है, खेलने लगी है, ठट्ठा करने लगती है, मतलब भूल जाती है कि मैंने किसी को अपने पति को जो है वचन दिया था, वो करने लगती है। और उसकी माँ बोलती है उसकी अपनी बेटी के पास कि बेटी तूने भाई मेरे नाती लाए हैं वो कहाँ है भाई, धोतरू कहाँ है भाई मेरे। वो बोलती है कि अम्मा वो धोतरू ना मैंने माट में डाले, वो बताना भूल जाती है कि वो किसी और रूप में भी। तो नानी तो बड़ी उत्सुक होती है, ऐसी भी नानी को बड़ा चाव होता है बच्चों का, वो होती है कि मैं तो देख ही आऊँ अपने बच्चों को भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो जाती है और अंदर देखती है, तो जैसी माट खोलती है टान में जाकर, जैसी खोलती है वो देखती है तो बड़े बड़े सांप हैं, सोने की चोट लगी है उनको भी, सुंदर भी बड़े हैं, पर लेकिन वो सोचती है कि मेरे धोतरे इन्होंने खा लिया। तो वो गरम गरम जो आग के कोयले होते हैं चूल्हे में से निकालती है, जैसे निकालती है वैसे ही उनके ऊपर डाल देती है, और वो उड़ के धर्मेड़ गांव है वहाँ पे चले जाते हैं। तो वो आज भी इतनी शक्ति है, अपने पिता से भी वो नाराज है, आज भी अपनी माता से भी नाराज है, वो उनके पास इतनी शक्ति है कि वो भी मतलब अपने पिता को अपने पास आने नहीं देते हैं, आज भी शक्ति है नाराज है, मतलब पिता भी उनको मना नहीं पाए थे, क्योंकि उनको लगा कि जब आपको पता था आप शिव रूपी हैं, आप शिव हैं, आपको तो कुछ नहीं छुपा था, आपको पता था हमारे साथ एक घटना होने वाली है, तो उसके बावजूद आपने मेरा हमारा जो है मतलब बचाव नहीं किया। तो जब वो वापस जाती है मतलब परेशान होके दुखी होके जाती है, फिर बोलती है वो उसको लगता है कि मेरा पति मुझे माफ़ कर देगा, पर लेकिन पति की भी हद हो चुकी होती है, तो पशुपति पशुकोट उनका नाक काट देते हैं, तब उनका नाम पड़ा नकटी देवी। तो आज भी अगर वहाँ से नकटी देवी भी मतलब आज भी उसी रास्ते से जाए ना पशुकोट, तो उनके जो आगगढ़ होती है मतलब जो रथ होता है लकड़ी, हाँ तोड़ देती है, उस रास्ते से आज भी पशुपति पशुकोट नहीं जाते। इसकी कहानी इतनी है, आगे का मेरे को इतना पता नहीं है, और मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने हमें सुना, और इतना बोल सकती हूँ कि मतलब हमारे देवता बड़े भाई धनी देवता हैं, बड़े दयालु देवता हैं, सबकी सुनते हैं, मतलब जितने भी लोग आते हैं खाली हाथ यहाँ से नहीं जाते हैं, हमारी भी बड़ी सुनते हैं, हमें तो कोई दुख होगा कोई इंसान हमें दुखी करेगा तकलीफ करेगा हम कुछ नहीं करते, हम देवी देवता के पास जाते हैं, वो उनका इंसाफ खुद करते हैं। हाँ जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये कहानी सुनाने के लिए।